गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीएससी सेकंड ईयर की पेपर सेकंड है मैथमेटिक्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी यूनिट सेकंड चल रही है। उसमें टॉपिक चल रहा है अभी कि क्यू एक्स का मान साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो, इन पर बेस कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 14, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, इसका सी एफ निकालेंगे और पी आई निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी हुई है, ये है, इसको एक बार लिखते हैं, इक्वेशन वन देते हैं इसका नाम, समीकरण वन। माना एक समीकरण वन की सहायक समीकरण सहायक समीकरण हो जाएगी इसके एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एम माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से मिलेगा एम इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आयोटा, पावर 2 है तो प्लस माइनस का 2 आयोटा एक दो रूट और मिलेंगे और यहाँ से दो रूट मिलेंगे एम इक्वल टू 2 एंड 2, 6 रूट मिल गए यहाँ से, पावर 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो इसका सी एफ हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सी है। तो ये हो गया सी वन प्लस का सी टू एक्स इंटू ई की पावर 2x, 2 के लिए प्लस का यहाँ पे रियल पार्ट 0 है तो यहाँ हो जाएगा सी थ्री प्लस सी फोर एक्स, ये हो जाएगा कोस 2x प्लस का सी फाइव प्लस सी सिक्स एक्स इंटू साइन 2x, ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ मिल गया। अब दी गई इक्वेशन का क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, सी एफ मिल गया, ये उतार लो एक बार। अब पी आई फाइंड आउट करते हैं, पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में डी माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये है कोस स्क्वायर एक्स, क्यू एक्स का मान ये दे रखा है, यहाँ से कोस स्क्वायर को चेंज करेंगे हम कोस में, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 2 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस का कोस 2x बाई 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर होता है तो माइनस आता है, कोस तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लेते हैं 1 बाई 2 ई की पावर 0x प्लस 1 बाई 2, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कोस 2x इक्वल टू 1 अपॉन ए की वैल्यू अगर 0 है तो डी की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये 1 बाई 2 बाहर आई प्लस का ये 1 बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर प्लस 4 को तो रहने दो का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 4 डी प्लस का 4 और ये कोस 2x, ये आ गया। जो सब चार दूर से दूर 128 मिल गया प्लस का 1 बाई 2 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 को तो रहने दो आप कहोगे स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 4 माइनस का 4 डी
प्लस का 4 ये हो गया इनटू cos 2x। आगे इसको सॉल्व करते हैं, उतारते रहो आप। स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4d बचा, तो ये माइनस का यहाँ पे 8 हो गया। वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x और अपॉन में 2। 128 यहाँ पे माइनस का ये 16 हो गया, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, साइन 2x मिल गया हमें। 128 माइनस का 16, इसको सॉल्व करते हैं, इसको चेंज करते हैं ई की पावर आयोटा 2x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2x डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। 1/128 माइनस का 1/16, ये इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे की पावर आयोटा 2x का, लास्ट में लिखेंगे अपॉन, इसको लिखेंगे डी प्लस 2 आयोटा डी माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। वन अपॉन 128 माइनस का 1/16, यहाँ पर डी की जगह पुट करेंगे 2 आयोटा, तो यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, तो 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 बन रहा है, कितनी पावर के लिए, 2 पावर के लिए, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा। 1/128 माइनस का 1/16, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, यहाँ 16 था, यहाँ पे 2, तो 32 हो गया, यहाँ पे 2 आयोटा 2 आयोटा कितना 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हुआ माइनस 1, और 4 का स्क्वायर क्या हुआ फिर 16, तो ये भाई 16 आ गया, ये हो गया। फिर यहाँ बचा e की पावर आयोटा 2x, 1/128 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये हुआ 16 32 9 3 48 50, तो इसको दो एक बार वो लिख दो, 16 32 9 3 3 32 51 512 512 e की पावर आयोटा 2x क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, वन अपॉन 128 प्लस का एक्स स्क्वायर 512, इसका क्या लेना था इमेजिनरी पार्ट लेना था, तो साइन 2x आ जाएगी, ये डिफरेंस है कि इसमें क्या मिला, पी आई मिल गया, सी एफ एल निकल चुके हैं छह रूप में, और ये पी आई, तो सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड करना, और ये क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 लेते हैं, एक बार ये थोड़ा काम होता है, तो सी ए प्लस पी आई दोनों का एड करके लिखना है, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 16 में क्या दे रखा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ये x नहीं आएगा, ये जरा तेरे का क्वेश्चन है, यहां x आएगा d2x अपॉन यहां पे t आएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस का यहां पे है b स्क्वायर x इक्वल टू दे रखा है b cos bt, क्योंकि यहां पर t तो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, x क्या डिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि आगे दे रखा है dx अपॉन dt ऊपर गलत दे रखा है, दिया हुआ है कि इसके बाद में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू जीरो पर x जीरो दिया हुआ है तथा dx अपॉन dt जीरो हो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, जबकि t का मान क्या दे रखा है जीरो, तो इन वैल्यूज के ऊपर जो कांस्टेंट आता है उनका मान निकालते हैं, निकालेंगे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर x इक्वल टू b cos bt, इसके फॉर्म को चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे d स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर x इक्वल टू b cos bt, जहां पे यहां पे d का मान चेंज है, d का मान d अपॉन dt है ना कि d अपॉन dx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर t है और x बन गया यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल, मान निकालना है x का और यहां पर क्या है pi भी निकालना है cf भी निकालना है, तो पहले cf के लिए इसको इक्वेशन 1 देना, इक्वेशन 1 मानना इक्वेशन 1 की साइड से इक्वेशन 1 की साइड से लिखना जाएगी m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा n इक्वल टू प्लस माइनस का रूट ऑफ, ये आ गया, तो यहां पर cf आ गया c1 cos bt प्लस c2 sin bt, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का cf आ गया, अब हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का pi, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, तो pi में 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिया जाएगा और यहां पर qx का मान दिया है cos b, ये दे दिया, तो यहां पर d स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस का a स्क्वायर, a का मान क्या है यहां पर b, तो ये 0 बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये b तो बाहर आएगा, cos के लिए क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है x अपॉन 2a, a की जगह क्या है b, तो x अपॉन 2b cos का क्या होता है sin b t, तो b से b कैंसिल, तो x अपॉन 2 आ गया, x होता है लेकिन x किस जगह यहां पर क्या आएगा t, क्योंकि वहां x इंडिपेंडेंट था यहां पर t इंडिपेंडेंट होगा, तो यहां पर आ गया t by 2 sin b t, ये क्या आ गया इसका pi, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन किसके आएगा x equal to cf plus pi में क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन किसका x का, cf क्या मिला था हमारा c1 cos bt प्लस का c2 sin bt, ये मिला था, ये जनरल सॉल्यूशन मिला था, अभी निकला था ना d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो d इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा b था, तो ये हो गया प्लस का pi क्या आ गया t sin bt अपॉन 2, यहां पर ये x वैल्यूज क्या दी हुई है, एक वैल्यू dx अपॉन dt दी हुई, निकालो dx अपॉन dt क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस का c1 ये b sin bt, ये प्लस का c2 b cos bt प्लस 1 by 2 आ, इसका अवकलन करेंगे t का क्या है, तो ये sin bt आ गया, बस sin bt आ करेंगे तो ये t b cos bt, ये इक्वेशन 2 है,
क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर टू और ये थ्री, टू और थ्री में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन टू से टी भी जीरो दिया है और एक्स भी जीरो दिया है, टी जीरो एक्स जीरो, तो एक्स जीरो ये इधर पुट किया इक्वल टू, यहाँ पे कोस जीरो का मान वन होता था, यहाँ पर सी वन हो गया प्लस सी टू, साइन जीरो का मान जीरो होता है, सी टू इंटू जीरो हो गया प्लस का ये जीरो है, तो ये इंप्लाई करेगा कि सी वन का मान मिल गया जीरो इक्वेशन टू से। इक्वेशन थ्री से क्या मिलेगा, देख सको टी का मान भी जीरो है, ये साइड जीरो हो गई, टी का मान भी जीरो है, तो सी वन बी इंटू जीरो प्लस का सी टू बी इंटू क्या होगा वन आ गया और टी जीरो पर ये जीरो है, तो ये इंप्लाई करेगा यहाँ पर सी टू का मान भी जीरो, तो सी वन जीरो सी टू जीरो, तो एक्स में सी वन जीरो सी टू जीरो, तो लास्ट में सॉल्यूशन क्या बचा है, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन ये बचेगा एक्स इक्वल टू टी साइन बी टी अपॉन टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया देवी इक्वेशन का। नेक्स्ट मेथड है, जब अभी तक पढ़ा हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एफ डी का मान कैसा हो डी हो, तब कैसे पी एफ पी आई निकालते हैं, जब एफ डी का मान क्या हो डी माइनस एल्फा के टर्म्स में हो, जब एफ डी का मान क्या हो डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू लीनियर फैक्टर के टर्म में हो ये वैल्यूज, और क्यू एक्स का मान क्या हो e की पावर ए एक्स में हो, तब पी आई कैसे निकलेगा, क्यू एक्स का मान क्या हो साइन ए एक्स और कोस बी एक्स के टर्म्स में हो, तब पी आई का मान कैसे निकलेगा। अब हम निकालेंगे कि जब क्यू एक्स का मान क्या हो एक्स की पावर एन के टर्म्स में हो, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कैसे क्या करना है। पीआई निकालेंगे क्या करेंगे, वन अपॉन एफ डी और क्यू एक्स का मान क्या दे रखा है, जैसे एक्स की पावर एन दे रखा है, तो ये पीआई हम फाइंड आउट कर। अब यहाँ पे मान लो कि एफ डी का मान क्या है, जैसे डी माइनस एल्फा के टर्म्स में एक्स की पावर एन, तो सोल्व करने में कैसे सोल्व करते हैं इसको, हम क्या करते हैं जैसे एक बार तो नॉर्म ले सूत्र लगा लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट है ना उसको अपन बाहर लेते हैं, उसको वन बनाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है माइनस एल्फा है, तो माइनस एल्फा के साथ बाहर लेते हैं, तो ये नीचे क्या बना वन माइनस, क्योंकि डी माइनस आएगा डी के साथ अपॉन एल्फा, ये बन गया एक्स की पावर है, कैसे भी करके वन माइनस कुछ बनाना है, ये बना तो माइनस का वन अपॉन एल्फा आ गया, अब ये वन अपॉन वन माइनस डी माइनस एल्फा है, तो इस वैल्यू को पावर वन है इसको पावर ऊपर ले जाता है इसको, तो ये क्या बना वन माइनस डी माइनस एल्फा की पावर माइनस वन आया और यहाँ एक्स की पावर एन हुआ, अभी यहाँ पर बनेगा माइनस वन अपॉन एल्फा, ये बना वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है, एक बार फिर और नहीं पता तो लिखिएगा। ये होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू होती है, तो यहाँ से क्या हो गया वन प्लस डी बाई अल्फा डी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस डी क्यूब डेल्टा एक्स, ये एक्स की पावर एम। अब क्या करते हैं एक्स की पावर एम को इनके साथ ऑपरेट करते हैं, डी का मतलब अवकलन एक टाइम यहाँ पर टू टाइम, तो पावर अगर दो है तो डी स्क्वायर तो ले लेगी क्योंकि डी क्यूब तो जीरो हो जाएगा, पावर तीन है तो डी क्यूब तो ले लेगी, कैसा भी क्वेश्चन हो फॉर्म इसकी यही रखनी है, ऐसे सोल्व करना है इसको। एग्जाम्पल लेते हैं उससे समझते हैं, मेथड ये रखना है हमेशा, अगर ये आ जाए डी माइनस एल्फा वन और डी माइनस एल्फा टू डैश डैश करके डी माइनस एल्फा एन था और एक्स की पावर एन, सेम जैसे पहले क्या था हमने इनको क्या था आंसर भी नाम चेंज करता है, तो जैसे लिख दिया ए वन अपॉन डी हो गया प्लस का ए टू अपॉन डी माइनस एल्फा टू हो गया प्लस डैश डैश एक्स की पावर एन, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं आंसर विलोम चेंज हो गया, अभी ये इसके इसके साथ एक्स पावर एम ले लो इसके साथ एक्स पावर एम, सेम पहले वाला मेथड बन गया लीनियर फैक्टर वाला एक एक वाला एक वन फ्रेंड वाला, तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे,
अब क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट की क्वेश्चन है, एग्जांपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये हो गया माइनस का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सी आई प्लस पी आई दोनों निकालेंगे, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, माइनस इक्वेशन वन की साइड से देखो इक्वेशन वन की साइड से में कर क्या जाएगी एम क्यूब माइनस का एम स्क्वायर माइनस का सिक्स एम इक्वल टू जीरो, यहाँ से एम को मान लिया तो एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो एम स्क्वायर एम, इसको क्या लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस का थ्री एम प्लस का फोर एम माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो एम, यहाँ से थ्री बाहर लिया तो एम नहीं एम बाहर लिया तो यहाँ बचा एम माइनस का थ्री प्लस का यहाँ से टू बाहर लिया तो एम माइनस का थ्री इक्वल जीरो, एम माइनस थ्री बाहर लिया तो एम प्लस टू आ गया और एक एम है इक्वल टू जीरो, रूट क्या मिली एम इक्वल टू जीरो मिला थ्री मिला माइनस टू मिला, ये तीन रूट मिल गए हमें, सी एफ निकाल लेते हैं निकालो अभी, तो सी एफ इसका तो सी वन जीरो का तो ये रह जाएगा प्लस का सी टू ई की पावर थ्री एक्स सॉरी सी थ्री ई की पावर माइनस का टू एक्स इक्वेशन टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल गया हमें सी एफ। अब पी आई निकालते हैं कैसे लिखेंगे वन अपॉन डी थ्री इक्वेशन क्या थी डी थ्री माइनस का डी स्क्वायर माइनस का सिक्स डी इक्वल टू दे रखा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या करते हैं पहले तो डी को बाहर लेते हैं एक तो यहाँ तो बचा डी स्क्वायर माइनस का डी और माइनस का सिक्स ये हो गया और ये वन प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया, अब कौन सिक्स है इसको बाहर लेते हैं वन बनाते हुए तो वन बनाने के क्या करेंगे इसको माइनस सिक्स के साथ बाहर लेंगे तो माइनस का सिक्स डी हो गया और वन अपॉन तो वन माइनस का ये डी तो क्या बन गया प्लस का तो डी माइनस का डी स्क्वायर बन गया अपॉन में क्या गया सिक्स आ गया और इंटू में वन प्लस का एक्स स्क्वायर, वन माइनस कुछ बनाते हैं ऊपर जाते जाते क्या हो जाए पावर माइनस हो तो प्लस बनता जाए तो यहाँ पर हो गया माइनस का हो गया वन अपॉन सिक्स डी ऊपर क्या ये बना वन प्लस डी माइनस का डी स्क्वायर अपॉन सिक्स तो वन प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स डी माइनस डी स्क्वायर बाई सिक्स का स्क्वायर प्लस इतना ही करते थे क्योंकि पावर टू ही है यहाँ पर वन प्लस का एक्स स्क्वायर करते हैं ये हो गया यहाँ पे माइनस का वन अपॉन सिक्स डी एक बार लिख देते हैं वन प्लस इनको लिखते हैं डी बाई सिक्स माइनस का डी स्क्वायर बाई सिक्स प्लस इसका स्क्वायर बोलते हैं तो यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन थर्टी सिक्स हो गया और ये क्या हुआ डी स्क्वायर हुआ डी फोर को छोड़ देते हैं और डी क्यूब को छोड़ देते हैं लास्ट के टाइम से छोड़ देंगे ये है प्लस डैश डैश वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक डी क्यूब वाले को लेते हैं डी क्यूब वाले क्या आएगी यहाँ पर माइनस का आएगा तो ये बनेगा टू डी क्यूब टू डी क्यूब बन जाएगा माइनस का और प्लस डैश डैश यहाँ पर पहली टर्म डी स्क्वायर वाई दूसरी टर्म क्या आएगी माइनस का टू डी क्यूब और तीसरी टर्म आएगी प्लस का डी की पावर फोर और ये बाहर थर्टी सिक्स दोनों के साथ आएगा
तो ये तो हम बन जाते हैं, ये हो गया। अब क्या करते हैं, माइनस वन अपॉन सिक्स को तो बाहर ले लो, ये डी ए इसको अंदर ले जाओ, वन अपॉन डी बना, प्लस का वन अपॉन सिक्स बना, माइनस का डी बाई सिक्स बना, प्लस का वन अपॉन थर्टी सिक्स, और डी से ये एक डी बच गया, माइनस का टू डी स्क्वायर बचा, ये किया वन प्लस का एक्स स्क्वायर किया। माइनस का वन अपॉन सिक्स हुआ, वन अपॉन डी मीन्स इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, प्लस का एक्स स्क्वायर का क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री, प्लस वन बाई सिक्स है तो वन बाई सिक्स के साथ होना चाहिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। माइनस का वन बाई सिक्स बाहर, डी का मतलब अवकलन, तो वन का अवकलन जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये आ गया। फिर प्लस का वन अपॉन थर्टी सिक्स, डी का मतलब अवकलन, वन का तो जीरो हो गया, इसका टू एक्स हो गया। फिर माइनस का टू डी स्क्वायर, वन का तो जीरो हो गया और एक्स का एक बार तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और दोबारा एक्स और टू है तो ये फोर हो गया, ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, एक्स इसको अंदर भेज दो, ये डिफ्रेंशिएशन का पी आई आ गया, सी ए प्लस पी आई करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मिल जाएगा हमें, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनको आप एक्स को एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो, अगर तुम्हें लिख दो एक इसका आंसर लिख देते हुए क्या आता है आप ला लेना, माइनस का ट्वेंटी फाइव अपॉन वन जीरो एच एक्स आया, प्लस का वन अपॉन थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का वन अपॉन एटीन एक्स क्यूब आएगा, आंसर ये आएगा, प्लस कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, क्यूब तो क्या आएगा इसका आंसर, तो ये हो गया क्यूब तो क्या आएगा, आ गया नहीं आंसर इसलिए छत्तीस अट्ठारह ये आ गया। अब क्या करते हैं, माइनस बारह ही दोनों को ऐड कर देंगे तो सी ए प्लस बी आई तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सी कितने लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दे रखी है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, प्लस का टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ एक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देना आप और सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन वन किस साइड से भी कर लेते हैं, पहले सी एम निकालेंगे, साइड से मीटर क्या आ जाएगी एम क्यू प्लस का टू एम स्क्वायर प्लस का एम इक्वल जीरो, एम को मन लिया तो एम स्क्वायर प्लस का टू एम प्लस वन इक्वल जीरो, एक एम इक्वल टू जीरो मिल गया और ये क्या हो जाएगा एम प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से एम इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, ये तीन रूट मिल गया इसके। सोल्व करते हैं इसको, तो सी एम आ जाएगा इसका सी वन प्लस का सी टू प्लस का सी थ्री एक्स ई की पावर माइनस का एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन का सी एम आ गया। अब पी आई निकालते हैं इसका, पी आई के लिए इसको क्या लिखेंगे हम, ये डी लिख लेते हैं और डी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया डी डी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से इसको लिखते हैं ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ से दो पार्ट में लिख लेते हैं इसको, वन अपॉन डी डी प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स के साथ लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ लेते हैं,
डी डी प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आगे सॉल्व करते हैं इसे, अब निकाल लो। ये हो गया, ये वाले में क्या देते हैं e की पावर x में d इक्वल टू 1 ये पुट करेंगे तो 1 का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1 * 1 + 1 का होल स्क्वायर आ गया, e की पावर x आ गया प्लस। यहां पर क्या करते हैं, ये d तो बाहर आई और ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार लिख लो इसको x, तो यहां से तो हो गया 2 2 का 4 तो e की पावर x by 4 plus यहाँ पर 1 upon d, ये 1 plus d की पावर क्या जाएगी माइनस का 2 आ गया x square plus का x e की पावर x plus 4 plus 1 upon d 1 plus x की पावर माइनस 2 कैसे पास है 1 minus का 2d plus का 3d square minus का 4d d क्यूब तक लेते रहे क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है प्लस के जैसे हो रहते हैं, ये x स्क्वायर प्लस का x है, ये हो गया 1 माइनस का 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस का 4d क्यूब तक चलेगा। अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इसको, e की पावर x प्लस 4 हो गया प्लस ये d है इसको अंदर भेज दो तो 1 अपॉन d माइनस का 2 प्लस का 3d माइनस का 4d स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू e की पावर x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन d, मतलब इन दोनों को इंटीग्रेशन में एक साथ की देती हूँ तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस का x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 d का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 2x इसका 1 फिर माइनस का 4 डी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम तो इसका 2x दूसरे टाइम 2 और इसका 0 यह सॉल्व कर लो इसे आगे और अलग अलग पावर में लिख दो इसको, तो ये तो आया e की पावर x प्लस का अपॉन 4 हो गया प्लस x क्यूब की टर्म हो गई है नहीं तो x क्यूब अपॉन 3 आ गया x स्क्वायर बाय 2 है और यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पर हाफ है तो बच गया माइनस का 3 बाय 2 माइनस का 3 बाय 2 क्या बचा x स्क्वायर, फिर x यहाँ है माइनस का 2x है यहाँ पे प्लस का 6x है प्लस का 4x यहाँ पे माइनस का 8 है और यहाँ पे कितना है 3 है तो माइनस का 5 बच गया, ये पी आई आ गया सी आर प्लस पी आई क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन, दोनों को ऐड करके लिखना है आपको। यह नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं अभी टाइम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है डिफरेंशिएट इज डी 4 वाई बाय डी एक्स की पावर 4 प्लस का 2 डी 3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 3 d2y by dx स्क्वायर आ गया इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 3 e की पावर 2x x स्क्वायर 3 e की पावर 2x प्लस का 4 sin x ये भी दे रखी है पहले निकालेंगे हम सी एफ के लिए निकालेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेना आप, तो
सॉल्यूशन में लिखना आप माना इक्वेशन वन, वन की साइड समीकरण, इक्वेशन वन की साइड समीकरण क्या जाएगी, एम की पावर फोर प्लस का टू एम क्यूब माइनस का थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे एम स्क्वायर बचा, प्लस का टू एम बचा, माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ बचा एम स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे इसको, माइनस का थ्री आ रहा है ना, तो उससे इधर जैसे से लगा था एक बार आप, तो इसका मान हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस का टू प्लस माइनस का रूट दो दिन चार प्लस का बारह, तो माइनस का टू प्लस माइनस किया गया सिक्सटीन, सिक्सटीन का फोर अपॉन टू तो माइनस का टू, तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस माइनस का टू, तो एक तो आ गया माइनस का थ्री और एक आ गया वन, माइनस का थ्री और वन इसके रूट आ गया और दो रूट के आ गए यहाँ से, दो रूट यहाँ से आ गया इक्वल टू जीरो जीरो, तो सी एफ सी वन प्लस का सी टू एक्स इक्की पावर जीरो समान हो गया प्लस सी थ्री इक्की पावर माइनस का थ्री एक्स प्लस का सी फोर ई की पावर एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल गया हमें, सी एफ मिल गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई फाइंड आउट करते हैं, ये उतार लेना आप, पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस का टू डी माइनस का थ्री, ये मिला एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं प्लस का, यहाँ पे था थ्री इक्की पावर टू एक्स, इसके साथ में हो गया डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस का टू डी माइनस का थ्री प्लस यहाँ पे फोर साइन एक्स, यहाँ पे है डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस का टू डी माइनस का थ्री, तीनों को अलग अलग दिया मैंने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर एन टर्म है तो क्या लिखते हैं, क्या को मिलेंगे माइनस का थ्री को, तो माइनस का थ्री डी स्क्वायर मिलेंगे और यहाँ पर क्या बचा वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस का टू डी अपॉन थ्री, ये हो गया प्लस का थ्री ए की पावर टू एक्स में क्या करते हैं टू पुट कर देंगे तो दो दुनी चार, यहाँ पे दो दुनी चार प्लस का फोर माइनस का थ्री, देखिए पुट कर दिया प्लस का फोर साइन एक्स, जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो माइनस का वन, अंदर माइनस का वन प्लस का टू डी माइनस का थ्री, अगर सॉल्व कर लेंगे ये माइनस का वन बाई थ्री डी स्क्वायर बच गया, ये पावर क्या, ये वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस का टू डी अपॉन थ्री बचा की होल पावर माइनस वन और एक्स क्या बचा स्क्वायर प्लस का यहाँ पर थ्री की पावर टू एक्स, यहाँ फोर तो यहाँ पर बचा फाइव पावर टू बीस, ये हो गया फिर प्लस का यहाँ पे फोर साइन एक्स, यहाँ माइनस वन है और अंदर क्या है टू डी माइनस फोर, तो ये माइनस वन तो बाहर ले लो, ये है टू डी माइनस का फोर, टू बाहर लेना चाहो तो यहाँ पर क्या बचेगा डी माइनस टू और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है मैं यही लिख देती हूँ इसको डी प्लस टू डी प्लस टू, आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना और ये साइन एक्स, यहाँ पर माइनस का वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हुए वन प्लस का डी स्क्वायर प्लस का टू डी अपॉन थ्री, फिर प्लस का डी स्क्वायर टू डी अपॉन नाइन और इसका होल स्क्वायर, इसको अर्थ के लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान तो थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स है, फिर यहाँ पर माइनस ये टू है, नीचे क्या जाएगा डी स्क्वायर माइनस का फोर और यहाँ पर डी प्लस टू और ये साइन एक्स, एक स्टेप और लिखते हैं माइनस का वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर,
वन प्लस का यहाँ पर डी स्क्वायर बाई थ्री है, प्लस का यहाँ पर टू बाई थ्री डी है, प्लस यहाँ पर डी की पावर चार है उसको छोड़ देते हैं, और ये फोर डी स्क्वायर अपॉन नाइन है। फिर प्लस यहाँ पे इन दोनों का सेकेंड वाला पार्ट दो दूनी चार, ये डी क्यूब है अपॉन ये नाइन है, ये फर्स्ट पर फोर वाला छोड़ देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का थ्री अपॉन ट्वेंटी है ए की पावर टू एक्स है माइनस, यहाँ पे कह देंगे माइनस का टू तो है, ये डी प्लस टू है साइन एक्स, डी स्क्वायर जैसे आप देखेंगे माइनस ए स्क्वायर तो माइनस का फाइव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप बता लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप बाई स्टेप चलना है, छोटी सी भी गलती होगी तो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, अब माइनस वन बाई थ्री तो मैं बाहर ले लेती हूँ, इस डी स्क्वायर बंद ले जाते तो वन अपॉन क्या बना डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल तो वन बाई थ्री प्लस का टू बाई थ्री ये डी बचा, प्लस का फोर बाई नाइन बचा, प्लस का फोर डी अपॉन नाइन बचा, प्लस डैश डैश एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे थ्री बाई ट्वेंटी की पावर टू एक्स बचा, और प्लस यहाँ क्या बचा टू बाई फाइव, यहाँ पे डी प्लस टू, डी का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे किसका साइन इसका क्या हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस का टू साइन एस एक्स में से आ जाएगा, ये हो गया साइन सॉल्व, इनको सॉल्व करना है बस, माइनस का वन बाई थ्री बचा है, वन अपॉन डी स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन टू टाइम, तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री का क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर और ट्वेल्व, प्लस का वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस टू बाई थ्री इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, तो ये क्या हो गया टू बाई नाइन, प्लस का फोर बाई नाइन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का फोर बाई नाइन डी का मतलब आप मीन्स टू एक्स हो जाएगा, ये खत्म हो गया, प्लस का यहाँ पर थ्री बाई ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स हो गया, प्लस का टू बाई फाइव ये कोस एक्स प्लस का टू साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लेना एक्स की पावर को एक साथ लेके, तो डिफरेंशिएशन का पी आई हो गया, सी एफ प्लस पी आई करना, जनरल सॉल्यूशन मिल गया।